किसी ने पूछा था कि डिस्टेंस रेकी कैसे देते हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैंने कॉस्ट्यूम ठीक है मेरा, तो आज मैं बना देती हूँ वीडियो और मैं बताती हूँ कि कैसे देते हैं डिस्टेंस रेकी। देखिए, किसी ने आपको बोला है कि मुझे बुखार आया, मुझे रेकी दो, ओके, या किसी का सर दुख रहा है, तो आप कैसे रेकी दे सकते हो? पहला टाइप बताती हूँ। डिस्टेंस रेकी का सवाल पूछा था किसी ने कमेंट बॉक्स में, आज ही पूछा था कि बताइए डिस्टेंस रेकी कैसे देते हैं, तो बताती हूँ। सबसे पहले क्या क्या तरीके हैं मैं बताती हूँ। एक तो क्या कर सकते हो आप, देखो डिस्टेंस रेकी के लिए कम से कम सेकंड डिग्री तक सीखना आवश्यक है, इसीलिए मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि कम से कम सेकंड तक की फ़ीस भर दो और सीख लो, क्योंकि रह गया तो रह जाता है। एक मैडम मेरे पास आई जिन्होंने 20 साल पहले मुझसे फर्स्ट डिग्री किया था, अब वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ कर रही है, उसी वक्त कर लिया होता तो, इसीलिए मैं आइडिया डाल रही हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब एक साथ दे देती हूँ, मतलब जिनको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है एटलीस्ट वो फंसे ना रहे। तो अब उन्होंने फोर्थ तक लिया है, उस टाइम अगर वो वापस आके, क्योंकि एक एक सिखाने का सिस्टम था उस टाइम पे, तो मैं बताती हूँ डिस्टेंस कैसे देते हैं। डिस्टेंस के लिए सेकंड तक सीखना आवश्यक होता है, क्योंकि उसके लिए इम्पॉर्टेंट है हॉन शा झे शो नेम से बॉन। हॉन शा झे शो नेम से ब्रिज क्रिएट किया जाता है, भले वो इंसान कहीं भी हो, किसी भी दुनिया में हो, दूसरे देश में हो, कहीं पर भी हो, दूसरे गांव में, सिटी में, या आपके साइड के रूम में हो, या साइड में सो रहा हो, बट आप उसको ऐसे रेकी नहीं देना चाहते छू के, तो आप उसको डिस्टेंस से रेकी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं बता, मान लीजिए कोई विदेश में है, किसी का नाम दुर्गा है, मेरी फ्रेंड है एक दुर्गा जो विदेश में रहती है, हाँ, तो मैं बताती हूँ कि मैं दुर्गा को कैसे रेकी दे सकती हूँ। एक तरीका है कि मैं अपने बॉडी से भी दे सकती हूँ, जैसे मैं बोल सकती हूँ कि ये जो सर है ये मेरा सर नहीं है, दुर्गा का है, ओके, दुर्गा का है, मैं इस पे हाथ रखूँगी और 3 बार बोलूँगी कि ये मेरा सर नहीं, दुर्गा का सर है, और मैं इमेजिन करूँगी, अब ये आज्ञा चक्र है ना, तो मैं दुर्गा का आज्ञा चक्र इमेजिन करूँगी कि दुर्गा के आज्ञा चक्र पर हाथ रखे हो, कि दुर्गा के आज्ञा चक्र पूरा वाइट लाइट से भरा हुआ है, फिर मैं उस पर इसको पेन समझूंगी, यहाँ से मुझे ड्रॉ करना है वाइट, ऐसा समझना है कि यहाँ से वाइट कलर का पेन निकल रहा है, ओके, जैसे नीला निकलता है ना वाइट कलर का, तो दुर्गा के माथे पे मैं हॉन शा झे शो नेन सिंबल डाल रही हूँ, तो ऐसे मैं ड्रॉ करूँगी और 3 बार बोलूँगी हॉन शा झे शो नेन, हॉन शा झे शो नेन, हॉन शा झे शो नेन, उसके बाद मैं फिर से ड्रॉ करूँगी सेहे की, और मैं बोलूँगी सहे की सहे की सहे की, फिर ड्रॉ करूँगी चोकुरे चोकुरे चोकुरे, इस तरह से 3 सिंबल डालूँगी, और जितनी देर रेकी जाती है उतनी देर तक मैं दूँगी, और जब सब खत्म हो जाए तब उसके बाद मैं बोलूँगी कि ये जो आज्ञा चक्र है सिर्फ दुर्गा का नहीं है, ये मेरा आज्ञा चक्र है, ये दुर्गा का आज्ञा चक्र नहीं है, मेरा आज्ञा चक्र है, दुर्गा का आज्ञा चक्र नहीं, मेरा आज्ञा चक्र है, कितनी बार बोलूँगी, 3 बार। उसके बाद जब भी किसी को आप हॉन्शा जिशुनन सिंबल डालते हो तो आपको डेफिनेटली कॉर्ड कटिंग करनी है, कॉर्ड कटिंग कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, उसको जब जब एनर्जी की ज़रूरत होगी आपकी एनर्जी उसको जाएगी, तो हमको कॉर्ड कटिंग करना है। कॉर्ड कटिंग कैसे करना है, हमको इमेजिन करना है कि हमारे नाभि से उसके नाभि में एक कॉर्ड है, एक धागा है, एनर्जी का धागा है, जैसे मान लीजिए अगरबत्ती से कैसे निकलता है वैसा धागा है, तो हमको उसको इमेजिन करना है, कट 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 3 बार करना है, कट कट कट, या आप ऐसे भी कर सकते हो, कट कट कट, हमको समझना है कि ये चाकू है और वो धागा हम कट करते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ इमेजिनेशन के बेस पर चलता है, यहाँ पे जो कुछ भी चलता है इमेजिनेशन के बेस पर चलता है, मतलब आप जो इमेजिन करोगे वो होने लगता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो रेकी में आने से, इसलिए आप जो सोचते हो वो होने लगता है, तो ये रहा एक तरीका। दूसरा तरीका है आप हवा में दे सकते हो, मतलब मान लीजिए आपको बोलना है ये हवा नहीं है, ये लक्ष्मी है, ये जिसको भी आप रेकी दे रहे हो, दुर्गा को रेकी दे रहे हो, मान लीजिए दुर्गा नाम की फ्रेंड है, मैं उसको रेकी दे रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, ये हवा नहीं है दुर्गा है, ये हवा नहीं है दुर्गा है, ये हवा नहीं है दुर्गा है, अब दुर्गा का क्या है, आज्ञा चक्र है, थ्रोट चक्र है, पेट है, जो वो बोलना है आपको, ओके,
फिर से आपको डालना है सिम बॉल हर्षा जशोनिन, फिर से तीन बॉल बोलना है हर्षा जशोनिन हर्षा जशोनिन हर्षा जशोनिन, फिर से एक ही डालना है, फिर से एक ही से एक ही से एक ही, फिर चौकुरे डालना है चौकुरे चौकुरे चौकुरे। तो जितनी रेकी जाती है आपके हाथों हाथों से जितना फ्लो निकलता है उतना जाने देना है, और जब वो कंप्लीट हो जाए फिर से हमको कॉर्ड कटिंग करनी है, कट कट कट, नहीं तो कट कट कट, कितनी बार करना है, तीन बार करना है। तो फिर से जब हो जाए प्रोसेस तो आपको बोलना है कि ये दुर्गा नहीं है ये सिर्फ हवा है, ये दुर्गा नहीं है सिर्फ हवा है, ये दुर्गा नहीं है सिर्फ हवा है। और एक तरीका है जैसे नए लोग थोड़े चौंक सकते हैं, बट ये पहले मुझे नहीं पता था, पहले भी पता था पर पहले हमको कैसे बताया था कि बुक है कोई कोई बुक है तो उसको बोलना है कि ये नहीं बोल, कुछ भी आप ले सकते हो, कोई पत्थर भी ले सकते हो और उसको बोल सकते हो कि ये दुर्गा का आज्ञा चक्र है, पेट है या जो भी है, और उसके ऊपर रेकी दे के उसकी हीलिंग कर सकते हो, वहाँ पे उसकी तबीयत ठीक होने लग जाएगी, वो आपको बोलेगा हाँ मुझे मिल रही है रेकी। तो ये होती है डिस्टेंस रेकी। तो डिस्टेंस रेकी आपने देखा किस किस चीज़ों से हम दे सकते हैं, खुद की बॉडी के ऊपर से दे सकते हैं, हवा को समझ सकते हैं कि सामने वाला इंसान है, या फिर हम किसी चीज़ को ले सकते हैं, कुछ लोग गुड़िया भी लेते हैं कुछ लोग गुड़िया भी लेते हैं, गुड़िया को बोलते हैं कि ये नहीं वो है, तो ऐसे भी होता है। ये नया स्टाइल निकला है, पहले मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरी एक फ्रेंड जो है नहीं तो उन्होंने मुझे बताया है। तो इस तीन तरीके से आप रेकी दे सकते हो। रेकी ग्रैंड मास्टर इसीलिए बोलते हो, फोर्थ लेवल ले लिया करो, जो रेकी ग्रैंड मास्टर बनते हैं उनको खास रेकी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कैसे करती हूँ पता है, मैंने रेकी लेना देना बंद कर दिया, मैं किसी को रेकी लेती देती नहीं हूँ, मैं सिर्फ ब्लेसिंग्स देती हूँ। जैसे जैसे किसी का सर दुख रहा है तो मैं यहाँ पे सिर्फ इमेजिन करती हूँ कि बस वो मस्त फील कर रहा है, उसका सर दर्द चला गया है और वो बहुत ही फ्रेश फील कर रहा है, वहाँ वो ठीक हो रहा है, वो प्रोटेक्टेड है। समटाइम्स मैं प्रेयर्स करती हूँ, हमारी प्रेयर्स बहुत पावरफुल होती है, जब रेकी में हम आते हैं हमारी प्रेयर्स बहुत पावरफुल होती है। तो इस तरह से डिस्टेंस रेकी ली जाती है, दी जाती है, और मैं तो सिर्फ ब्लेसिंग्स देती हूँ और प्रेयर्स करती हूँ, मैं अब रेकी लेके देती नहीं। इसलिए मैं बोलती हूँ दोस्तों कि जो थर्ड जिन्होंने किया है वो फोर्थ भी कर लीजिए, तो आपकी रेकी इतनी पावरफुल होगी कि खुद रेकी लेने देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपकी ब्लेसिंग से ही उसको रेकी मिल जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, ये फर्स्ट मेरा ऐसा वीडियो है। ओके, लव यू।